ये जो मणिपुर में, मणिपुर किसके किसके अंडर में पड़ता है? भारत में भी है और वहां का प्रधानमंत्री भी है। लेकिन वहां के लड़कियों को नंगी निकाली जाती है, उनकी परेड कराई जाती है, लेकिन वो मोदी वहां क्यों नहीं जाता भाई? अरे चाचा, यहाँ क्या धनिया ले रहा है वो? मोदी को दुआ तो हम इतनी दे दें कि वो समझ ले के हजारों साल जिए, लेकिन वो काम ही ऐसे कर रहा है जो दुआ लेने के लायक ही नहीं बन रहा। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ किसने की थी? अरे वो तो टांग, अरे तो बता ना। अरे जबान तो किसी भी फिसल सकती है ना। अच्छा, जबान किसी की खिसल सकती है। बहनों और भाइयों, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे घरों में आ जाएंगे। हाँ भाई, ये क्या था? वो जुमला था, वो तो बोला उन्होंने। तो क्यों वो झूठ बोल के मर रहा? अरे उसे तू प्रधानमंत्री बता रहा? अबे भूखे तो हम जब भी नहीं सो रहे, आज भी हम मोहताज, हम अपाज हैं, हम अपाज हैं, मगर मोदी के मोहताज नहीं है हम। मोदी साहब जो कहते हैं इस बात को, और बड़े रुबाब से कहते हैं कि देश की बेटियों और बहनों और भाइयों, मैं हूं तो गारंटी है और मैं नहीं तो गारंटी भी नहीं। अब ये बताओ कि वो 5 किलो राशन में कितनी बड़ी गारंटी? आज 60 साल की उम्र में कांग्रेस के राज में 10 किलो अनाज, 2 किलो चीनी, 2 किलो मिट्टी, 5 किलो राशन दे रहे काम है क्या मोदी जी? और ये जो 2 किलो चीनी फालतू में जो कांग्रेस दे रही है, ये बेकारी दे रही है। तो उन्होंने देश को लूटा भी तो है। कितना कितना लूटा? उस जमाने में तू पैदा था। मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल था। तू क्यों कह रहा है फिर? मोदी जी कह रहे हैं तू पैदा था उस टाइम, तू पैदा था उस टाइम। अबे मोदी जी कह रहे हैं, मोदी तो नू कह देगा कि मैं कुत्ता भी ले जाऊंगा यहाँ से, तो वो कुत्ते के साथ चला जाएगा। हम 60 साल की उम्र है और जहाँ तक का हमें नॉलेज है ना, वहाँ तक का बेटा तुझे भी नॉलेज नहीं। कांग्रेस के राज में ये घर बने, कांग्रेस के राज में है ना पूरा ये गाजियाबाद बना, नहीं तो छोटा सा गाजियाबाद था। ये कांग्रेस की राज की देन है। आ जाइए ये मोदी सरकार और फोड़ रही है इन घरों को। ऐसे ही होता है मोदी के राज में। सरकार के राज में डंका बज गया, डंका बज गया विदेश में। अबे विदेश का रहने वाला तो विदेश में जा, और इंडिया का रहने वाला है तो इंडिया की बात करें या विदेश के वहां की बात करें। हर दूसरे इंडिया में छोड़, बिगड़ तो यहाँ रहा, जा विदेश वो वहां रहा, जनता रो रही यहाँ, वो फिर रहा वहां, बेटी रो रही वहां, वो जा रहा विदेश में। अबे अमेरिका वाला क्या देगा तुझे? अबे देगी तो देश की जनता देगी मोदी है। तो मोदी यहाँ आके तू सबका विकास कर, सबकी बात सुन, सबको किसी बेचारे बैटरी वाले पे है ना, किसी की सीट उपाड़ दी, किसी का चलान कर दिया, किसी का, ये अच्छी बात है उसकी। कहता वो नू कहता है कि मुझसे सब डरते, अकेला सब पे भारी। कहता है ये बात कि अकेला सब पे भारी, तो भारी तो माने हम उसको तब जब इनके कांग्रेस के खाते क्यों सील कर दिए, क्यों डर गया वो? इतना इतना जो उसके पास वो आ रहा है, जाने कितने कितने करोड़ आ रहे हैं चोरी चोरी से। कांग्रेस को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है ना चंदा? तो कांग्रेस को मिला है, वो तो भ्रष्टाचारों से मां से ले रहा है, कहीं उधर जा रहा है छापे लगवा रहा है, कहीं आईडी उधर लगा रहा है, कहीं सीबीआई उधर लगा रहा है, वहां छापे डलवा रहा है, पैसे निकलवा रहा है। कांग्रेस के राज में ऐसा था ही नहीं। मतलब मोदी जी वसूली कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वसूली कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। एक ही बात बताओ तुम मीडिया वाले हो, एक ही बात बताओ, ये जो मणिपुर में, मणिपुर किसके किसके अंडर में पड़ता है? भारत में भी है और वहां का प्रधानमंत्री भी है। लेकिन वहां के लड़कियों को नंगी निकाली जाती है, उनकी परेड कराई जाती है, लेकिन वो मोदी वहां क्यों नहीं जाता भाई? अरे चाचा, यहाँ क्या धनिया ले रहा है वो? अरे 18 गृहमंत्री तो गए, तो गृहमंत्री क्या गया? प्रधानमंत्री तो एक फोन में कह दे कि खबरदार, अगर मेरे देश में ऐसा हुआ तो उनको जेल हो जाएगी, क्यों नहीं कहता है वो? बेहाथ रस के अंदर बेटियों को जिंदी उसको जला दी गई रात को। विदेशों के मामले रुकवाते हैं, वो एक फोन पे जो है वो रुकवा देते हैं। अबे विदेश में जा रहा है वो, मगर यहाँ जो देख रहे, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सब चल रहा है, कहाँ है चलना? यहाँ तो बिल्कुल दुनिया नंगी होने को चली, कपड़े तन पे से उतारे जाएंगे यहाँ, ऐसा कर रहा है। जब मणिपुर की लड़कियों को नंगी नचा दी, तो यहाँ फिर नचाने में क्या कमी है उसकी? देश बचाओ, देश बचाओ और संविधान को भी बचाओ। यह है तुम्हारी भी परंपरा, नहीं तो ये है हमारी भी परंपरा। अगर ये बचे, अभी आगे और काम करेंगे। टेलर ये टेलर है, ये अभी बैसाखी चली है, ये अभी बैसाखी चली है और चलती रहेगी। और वो है ना फकीर, तो उससे ये पूछ के कौन सा फकीर? नहीं तो फकीर हमें जो तेरे सामने खड़े, हम है असली फकीर। हमसे पूछ कौन कौन से फकीरों के सवाल है, हमसे पूछ 60 साल तक की खबर बताए, फकीरी कहाँ से चली, फकीरी कहाँ से आई, कौन था फकीर, इसका मालिक कौन था? उससे खाली तुमने ये पूछ ली ये फकीर है, तो तुम फकीर 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 खाली फकीर ही समझ लिया। उसका बाप फकीर था या उसका दादा फकीर था या उसका नाना फकीर था, कौन था फकीर? कैसा फकीर है भाई तू? असली फकीर कैसा होता है? चाय बेचने वाला फकीर है,
कि चाय बेचता हूँ, कभी कहता है कि मैं चाय बचपन में मैं भीख मांगता था, भीख मांगता था। बताओ असली फकीर तो हमें आज मांग के दिखाए से चल के, दीजो भगवान के नाम पे 10 रुपए, दीजो मुझे 5 रुपए, मैं फकीर हूँ, देना मुझे, ऐसे करके दिखाए जब है फकीर, नहीं तो किस काम का फकीर। फकीर नहीं उसकी है ना किस्मत की बेकार है लकीर, समझ रहे हो मेरी बात को। जब तक हम भाई हम 18 घंटा कर रहा, वो 1 घंटा भी नहीं कर रहा, वो तो मिनट में एयरपोर्ट उतरे, 10 मिनट में उससे चैलेंज से कह दे देश में कैसा हुआ ऐसा हुआ, तुम यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ फकरील, मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, मैं जा रहा हूँ इराक, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, वो तो बस भागने पे रहे और चेला उनके है ना वो काम करने पे रहे। मैं किस काम का फकीर, भूखा नहीं सो रहा, फकीर अबे भूखे तो हम जब भी नहीं सो रहे, आज भी हम होता सर, हम अपाज हैं, हम अपाज हैं मगर मोदी के मोहताज नहीं है, हम अपाज हैं मगर मोदी के मोहताज नहीं। आज भी तो हमें यूं सोच रहा राशन दे रहा है, राशन दे रहा है क्या दुनिया अपनी बिचारी जनता, ये जनता ये अपनी कमाई खुद खा रही है, पता नहीं कोई कैसे कैसे करके खा रही है, हम भीख मांग के खा रहे हैं, लेकिन उसका तो एक पेट है, वो तो अकेला है, ना बेटी ना बेटा, ये देश ये सुन ये देश वो तो दे, ये देश के लिए कर रहा है, ये देश के लिए कर रहा है। जो बेटियां रो रही जंतर मंतर पे, तुम सब लोग मौजूद थे, बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, ऐसा प्रधानमंत्री तो वहीं बैठा फोन करे अरनू का इस बात को कि खबरदार बे, अगर मेरी हिंदुस्तान की बहन बेटियों पे अगर किसी ने भत्ती आचार करा तो उसको जेल जेल में डाल दिया जाएगा, फोन पर ही बात हो जाए। ये कोई बात थोड़ी हुई कि बेटियां रो रही है माँ और पुलिस वाले इनसे कैदी के डंडे मारो इनको, यह भाई यह वो मोदी राज, यह वो फकीर, बेटी बचाओ बेटी, हाँ यह वो फकीर। हाँ एक बात, दूसरी बात कौन सी, किसान, अरे तेरा क्या जा रहा है, तू तो रोटी से रोटी खा, छाछ पी, मक्खन खा, मुर्गा खा, घी खा, जहाज में घूम, टेल फिर, हाँ तुझे, तू बेचारे इनकी किसान जो उगाते हैं एक साल तक, उनकी समस्या हल कर दे, उनकी समस्या हल कर दे। हमारी पूनम पंडित, मैं लाख उठा के झोली भर के दुआ देता हूँ उस पूनम पंडित को कि वो बेटी हमेशा खुश रहे, हमेशा सही रहे। अच्छा मोदी जी को नहीं दोगे दुआ, हाँ मोदी जी को दुआ नहीं दोगे, मोदी को दुआ तो हम इतनी दे दें कि वो समझ ले के हजारों साल जिए, लेकिन वो काम ही ऐसे कर रहा है जो दुआ लेने के लायक ही नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा ये अभी थोड़ी बता रहा हूँ यार, कितना यार किसान रो रहे, आर आर कर रहा, किसान नहीं रो रहे बैठे, तुझे नहीं दिख रहा, हाँ किसानों पे आंसू गए चलवाए, गोली चलवाई, किसान 700 किसान मर गए, मोदी को अच्छा लगा था, लगा था माफी तो मांगी ना उन्होंने, मर गए उनसे माफी मांग रहा तू, तू इंसान है कौन है तू, मर गए उनके पुरखा और मुने तू कह रहा कि गलती हो गई, अबे उनकी नौकरी लगवा, उनको पैसे दे, उनको सारी चीज दे, जब ही तो कहानी बनेगी। विकास नहीं दिख रहा मोदी जी का लग रहा है, विकास नहीं दिख रहा, विकास नहीं दिख रहा। ये आंदोलन के अंदर जो आंदोलन में कौन कौन जाता था, तुम्हें तो मिलते थे वहाँ, क्या विकास है तू बता, विकास भूखा नहीं सो पा रहा है कोई, भूखा नहीं सो पा रहा। और ये जो 200 साल से दुनिया जो थी जब मोदी भी नहीं था, जब से क्या वो मोदी सपने में आके दे रहा था, ये जवाब दे मुझे, देना मोदी का पुनर्जन्म, अबे आ रहा था वो सपने में क्या, अबे भूले तुम्हारे पुरखा, सुनो अबे भूले तुम्हारे पुरखा, अबे भूले तुम्हारे पुरखा, और भूतों से मांगो तुम लड़का, जो आपने पट्टा डाल रखा, अबे बच्चे सुन सुन हमारी सुन सुन, पाजी को पोशाक से लियाकत नहीं मिलती, पाजी को पोशाक से लियाकत नहीं मिलती, और कमीनेन को दौलत से सराफत नहीं मिलती। चवन्नी का भी आरोप नहीं है उनपे घोटाले का, इन पे मोदी जी पे चवन्नी इनका, और ये दुनिया भर में वैसे ही समाचार हो रहे हैं, दुनिया भर में वैसे ही समाचार हो रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी को बदनाम, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। बेटे एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम अगर है ना मोबाइल नहीं चलाते हो ना, तो आज ऐसा काम करो मेरे कहने से ना मोबाइल चलाया करो और तुम देखा करो, अगर मैं मेरे मोबाइल में अगर निकाल के बताऊं ना, बेटी बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, किसने की थी ये, अरे वो तो टांग, अरे तो तू बता ना, अरे जबान तो किसी की भी फिसल सकती है ना, अच्छा जबान किसी की खिसल सकती है, अब एक इनने खुद की जबान खिसल सकती है। बहनों और भाइयों 15-15 लाख रुपए तुम्हारे घरों में आ जाएंगे, हाँ भाई ये क्या था, वो जुमला था, वो तो बोला उन्होंने, तो क्यों वो झूठ बोल के मर रहा, अरे उसे तू प्रधानमंत्री बता रहा, अरे मैं थोड़ी उसकी पूरे देश ने चुना, तो क्यों चुना है, तो उतारने का भी काम हमारा, हम ही तो उतारेंगे, फिर तू क्यों उसकी सिफारिश कर रहा है, गारंटी चल रही मोदी की, गारंटी मोदी की गारंटी तो इसकी मौत की भी नहीं है, ये कब मर जाए इसका पता है, बस इसका पता है तुझे, 400 पार के बिल्कुल वो बेकार, 400 पार क्या बात कर रहा है यार।